रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। लालच एक ऐसी चीज होती है जिसके लिए इंसान हर हदों को पार कर देता है, चाहे वो जमीन का लालच हो या रुपए पैसे का। इंसान इसके खातिर अपनों को भी मौत के घाट उतार देता है। ऐसा ही कुछ इस मामले में भी हुआ। एक कलयुगी बेटे ने अपनी खुद की सगी माँ को मौत के घाट उतार दिया। आइए देखते हैं हमारी इस खास पेशकश में। माँ बेटे का रिश्ता हुआ शर्मसार। संपत्ति के लिए माँ की कुचल कर हत्या। बिस्तर में बांध कर 84 घंटे तक रखा माँ का शव। बेटे ने बिना किसी की परवाह किए वो कर दिखाया कि जिसके बारे में माँ ने सोचा भी नहीं होगा। बुलंदशहर में खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में कलयुगी बेटे ने संपत्ति के लिए माँ की कुचल कर हत्या कर दी। आरोपी बेटे ने अपने साले के साथ मिलकर किसी वजनदार हथियार से माँ पर कई बार वार करते हुए माँ को मौत की नींद सुला दिया। इतना ही नहीं, हत्या के बाद इस निर्दयी बेटे ने माँ के शव को एक बिस्तर में बांधकर 84 घंटे तक मंदिर के बाहर फेंक रखा था। आसपास के लोगों को जब इस वारदात की खबर हुई तो उन्होंने बिना देर किए पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। रात को पुलिस को सूचना मिली कि खुर्जा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला का शव पड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच करके विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई। उसके बाद जब पुलिस ने जांच किया तो जांच में ये बात प्रकाश में आई कि महिला के बेटे, उसकी बहू तथा उसके भाई के साथ संपत्ति कोई विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ। झगड़े के ही दौरान महिला की मृत्यु हो गई। इस पर महिला की बेटियों द्वारा FIR दर्ज करा दिया गया है। पुलिस ने मुलजिम को अरेस्ट कर लिया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिस बेटे को माँ ने अपना कतरा कतरा पिलाकर बड़ा किया, अपनी रातों की नींद हराम कर रात रात भर जग कर बेटों को सुलाने वाली माँ को वही बेटा मौत की नींद सुला देता है। दरअसल ये घटना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के हनुमान टीला के पास की है। जानकारी के मुताबिक अरुणा देवी अपने बेटे योगेश और बहू सीमा तयाल के साथ ही रहती थी। उनका बेटा पिछले कई दिनों से माँ पर संपत्ति को अपने नाम करने का दबाव बना रहा था, लेकिन उसकी माँ ने संपत्ति नाम करने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर बेटे ने अपने साले नवीन और पत्नी सीमा के साथ मिलकर माँ के हत्या की साजिश रची और अपनी माँ की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को पास में ही मंदिर के पास 84 घंटों के लिए फेंक दिया। मौजूद है खुर्जा कोतवाली नगर में, जहां कलयुगी बेटे ने अपनी पत्नी व साले के साथ मिलकर अपनी मां की संपत्ति को लेकर हत्या कर दी गई थी। सबको एक बिस्तर में बांधकर एक शिव मंदिर के पास फेंक दिया गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है। और इसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि जमीन जायदाद और रुपए पैसे के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, चाहे अपनों को मौत के घाट ही क्यों ना उतारना पड़े। सुबह पुलिस ने जब शव को कब्जे में लेते हुए जांच शुरू की तो आरोपी बेटे ने हत्या की बात को कबूल किया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। फिलहाल इस कड़ी में बस इतना ही। आगे हम आपको अपराध जगत से जुड़े प्रदेश की तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।